पॉर्क्यूपाइन अपने कांटों को किसी भी जीव के ऊपर छोड़ सकता है और अगर इसके कांटे किसी को लग जाएं तो वो हर दिन एक इंच अंदर धंसते जाते हैं। साथ ही पॉर्क्यूपाइन के कांटे कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं जो आसानी से किसी की भी स्किन से बाहर नहीं आते, पर इंसान इन्हें हाथ से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन डॉग्स और वाइल्ड कैट्स को कांटे लगने पर ये धीरे धीरे अंदर धंसते जाते हैं और ज्यादा कांटे लगने पर कुछ समय बाद दर्द से उनकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जब किसी ईगल को पकड़ा जाता है तो उसकी आंखों को इस तरीके से ढक दिया जाता है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। फैक्ट नंबर 3, जब कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते हैं तो वो एक तरह से अपनी खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन बिल्लियों के साथ ऐसा नहीं है। अगर कोई बिल्ली आपको देखकर पूंछ हिला रही है तो इसका मतलब है कि वो आप पर गुस्सा दिखा रही है। वैसे डॉग और कैट में से आपका फेवरेट कौन है कमेंट करके जरूर बताना। देखो, चाइना में इस तरह से इंजेक्शन का इस्तेमाल करके नकली अंडे बनाए जाते हैं जिसे खाने से लोगों की जान भी जा सकती है। अब ये चाइना वाले नकली अंडे इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अब जरा इसे देखो, ये है चाइना की फिश फार्म टेक्निक जिसमें मछलियों को इस मशीन की मदद से मांस खिलाया जाता है ताकि मछलियां जल्दी बड़ी हो जाएं। चीन के लोग इस काम को करके दिन ब दिन करोड़पति बनते जा रहे हैं। दरअसल ये लोग समुद्र से चुनकर सीप को लाते हैं, फिर इसको काट के इसके अंदर से मोती को बाहर निकाल लेते हैं और बड़ी ही मेहनत से मोती के अंदर के कचरे को सीप से अलग कर देते हैं, जिसके बाद सीप से निकाले गए मोती का हार बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही महंगे दामों में बेच देते हैं। ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ चाइना वाले ही खा सकते हैं। नंबर 1, चाइनीज लोग ज्यादातर पकी हुई सब्जियों की जगह कच्ची सब्जियों को ही खाते हैं, और ये इसलिए नहीं क्योंकि उन लोगों को पकाना नहीं आता, बल्कि उनका मानना है कि सब्जी को पकाने के बाद उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। नंबर 2, देखो चाइना के लोग इस तरह से जिंदा बिच्छू को गर्म तेल की कढ़ाई में फ्राई करके खा जाते हैं, और यहाँ तक कि ये लोग जिंदा ऑक्टोपस को भी चटनी में डुबाकर खा जाते हैं। देखो, इस तरीके का इस्तेमाल कछुए को मारने के लिए किया जाता है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कछुए अपना मुंह शेल के अंदर छुपा लेते हैं जिसके बाद उसे मारना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए लोग कछुए मारने के लिए पहले तो उसे मांस का लालच देते हैं, फिर जैसे ही कछुआ मांस खाने में खो जाता है तो लोग उसका गला काटकर उसे मार देते हैं। अगर आपको कभी पानी में इस तरह की चीज दिखे तो आपको उसे देखकर घबराना नहीं है। दरअसल कुछ लोग इसे जेलीफिश समझ रहे हैं क्योंकि ये देखने में बिल्कुल जेलीफिश की तरह लगते हैं, लेकिन असल में एक मछली के अंडे हैं जिसे लोग अपने घर लाकर पानी में छोड़ देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उसके अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ निकल जाती हैं। जैसे ही आदमी एक अंडे को फोड़कर इस होल में डालता है वैसे ही उस होल में से अंडा बाहर आने लगता है। दरअसल ये आदमी होल में से एक मकड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है जो कि रेत के अंदर गड्ढा करके रहती है। देखो, ये है गो फिशिंग जिसमें मछुआरे एक ही बार में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। दरअसल इसमें मछुआरे सबसे पहले अपनी नाव को ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ बहुत सारी मछलियाँ मौजूद हों, फिर इस तरह से मछलियों को पकड़ लेते हैं। देखो, चाइना के लोग इस चीज को खरीदने के लिए कितने भी रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये चीज शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दरअसल ये चीज एल्गी है जो हमारे इंडिया में किसी भी तालाब या झील में बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। अब इसे देखो, ये है अंडा फोड़ने का सबसे आसान तरीका जिसमें आपको अंडे को इस मशीन में लगा के इस चीज को दो बार ऐसे पटकना है और अंडा फूट जाएगा। ये है इंक सैक टैटू जिसे करने के लिए लोग अपनी स्किन पर एक थैली के अंदर प्लाज्मा और स्याही को डालते हैं। दरअसल लोग इसे इसलिए कराते हैं क्योंकि टैटू हमारे शरीर से जल्दी उतर जाता है और वो जल्दी हटे ना, इसलिए प्लाज्मा और स्याही को मिक्स करके थैली को स्किन के ऊपर चिपकाते हैं। अब ये देखो, इन ग्लव्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी सब्जी या फ्लावर को बिना जोर लगाए आसानी से तोड़ सकते हो। अगर आप खाने में कम तेल खाना पसंद करते हैं तो ये ऑयल फिल्टर स्पून आपके बड़े काम की चीज है क्योंकि आप इसकी मदद से खाने में से ऑयल को बड़ी ही आसानी से फिल्टर कर सकते हो। अब देखो, दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में आर्टिफिशियली तालाबों को बनाया जा रहा है जिनके अंदर मछलियों को कुछ इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखो, बड़े बड़े फार्म के अंदर गायों को मशीन के द्वारा नहलाया जाता है जिसमें लोग सबसे पहले गायों पर लगे गोबर को मशीनों से इस तरह साफ करते हैं और फिर उन सभी गायों को पानी से भरे पॉन्ड में छोड़ देते हैं जहां गाय अच्छी तरह से साफ हो जाती हैं। अब ये देखो, ये है चाइना की स्पेशल डिश जिसमें मेंढक को पैन में डालकर अच्छे से फ्राई किया जाता है और फिर इसके ऊपर ग्रेवी और सॉस डालकर लोगों को सर्व कर दिया जाता है। ये है चाइना का स्टोन मार्केट जहाँ पर हजारों तरह के स्टोन्स और क्रिस्टल बेचे जाते हैं। इन्हें खरीदने के लिए बड़ी दूर से लोग आते रहते हैं। इन क्रिस्टल को ये लोग समुद्र के किनारे से ढूंढ कर लाते हैं और यहाँ बेच देते हैं, जिन्हें यहाँ आने वाले लोग महंगे दामों में खरीद लेते हैं। अब इसे देखो, ये एक ऐसा टूल है जिसे स्पेशली आटे को परफेक्टली उठाने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको कभी समुद्र के पास ये व्हाइट चीज दिखे तो आप उसे तुरंत किसी चीज से बाहर निकाल लेना। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक समुद्री जीव है जिसे ब्रेन कोरल कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल इंसान के ब्रेन जैसा लगता है लेकिन इसके अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर आप इसको बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। टॉयलेट में सभी जगह पानी ना भरे इसलिए प्लम्बर ऐसे कंचे डालकर पानी का स्लोप चेक करते हैं। अगर सारे कंचे एक ही तरफ आते हैं तो पानी का फ्लो भी उधर ही आएगा। देखो, चाइना में इस तरह से छोटी जिंदा मछलियों के पापड़ बनाए जाते हैं जिसे चाइना वाले बड़े मजे से खाते हैं। अब ये एक ऐसा खतरनाक लिक्विड है जिसे किसी भी चीज पर डालने से उसका पेंट ऐसे कपड़े की तरह उतर जाता है। ये है थाईलैंड का स्वीट फिश कैफे जिसमें लोग इन मछलियों से भरे पानी में बैठकर खाना खाते थे और इसमें तैर रही ये मछलियां लोगों के डेड सेल्स को कुतरती थीं, जिससे लोगों को बहुत मजा आता था। लेकिन अब इस कैफे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि एक तो मछलियां कम पानी में नहीं तैर पा रही थी और दूसरा इस पानी को फिल्टर भी नहीं किया जा रहा था।
इस आदमी को लोग अपने घर का शीशा तोड़वाने के लिए लाखों रुपए देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आदमी शीशे को जैसा तोड़ सकता है वैसा बहुत ही कम लोग तोड़ सकते हैं, जिसमें काफी रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर शीशा पूरा टूट गया तो उसका जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसीलिए इसे हथौड़े से बड़े ही आराम से शीशे पर सिर्फ क्रैक लाना होता है, ताकि शीशा सबसे यूनिक और नए स्टाइल का दिखे। देखो, चाइना के फिश मार्केट में इस तरह से मछलियों को पानी के साथ पकड़कर लाया जाता है, ताकि वो जिंदा और फ्रेश रहें। अब ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि जिंदा और फ्रेश मछलियां मार्केट में महंगे दामों में बिकती हैं। ये है फ्रूट कैचर, जिसका इस्तेमाल करके आप फ्रूट्स को आसानी से तोड़ सकते हो, और आप इसे सिंपल बॉटल की मदद से घर पर ही बना सकते हो। अगर आपके घर में कभी किसी चीज में छेद हो जाता है तो आप ना जाने उसमें क्या क्या चीज लगाते हैं, और वो छेद बंद भी नहीं होता। लेकिन इस चीज का भी जुगाड़ चाइना वालों ने निकाल लिया है। दरअसल उन्होंने एक ऐसा पेपर बनाया है जिसको अगर आप किसी छेद पर चिपका देते हैं तो उसमें से कभी भी पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा जोर से चिपक जाता है कि एक बार चिपकने पर ये वापस नहीं निकलता। देखो, कई जगहों पर इस तरह से बिना पानी के अंडों को बॉईल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले अंडों के ऊपर मिट्टी को लगाया जाता है और फिर उन्हें इस तरह से गर्म भट्टी पर सेका जाता है, और जब अंडे अच्छी तरह से सिक जाते हैं तो उन्हें पानी में धो लिया जाता है ताकि अंडों से सारी मिट्टी हट जाए, और इस तरह अंडे अच्छी तरह से बॉईल हो जाते हैं। देखो, यह है पक्षियों को पकड़ने का सबसे यूनिक ट्रैप, जिसमें आपको इस ट्रैप के ऊपर और आसपास दाने डालने हैं और वहां से चले जाना है, जिसके बाद जैसे ही पक्षी उन दानों को चुगने आते हैं तो उस ट्रैप का शिकार बन जाते हैं और धीरे धीरे करके सभी पक्षी इसमें गिर जाते हैं। अब हमारे भारत में नंबर वन आइसक्रीम है अमूल ब्रांड की, जिसे भारत में लोग बहुत ही स्वादिष्ट मानते हैं और ये सबसे ज्यादा बिकने वाली आइसक्रीम है। देखो, ये है दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग मार्केट, जिसे रेलवे मार्केट कहते हैं, क्योंकि इस मार्केट में शॉपकीपर्स अपनी दुकान रेलवे के बिल्कुल बगल में लगाते हैं, इसीलिए इन पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। देखो, अब कुछ कंट्रीज में इस तरह के चॉकलेट केक बेचे जाते हैं जिन्हें देखकर आपको कभी भी चॉकलेट केक खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ये तो टट्टी है। अगर आप कभी किसी हिप्पो को ऐसा करते देखो तो वहाँ से तुरंत भाग जाओ, नहीं तो आप उसकी पूंछ से गंदे हो जाओगे। दरअसल जब हिप्पो हल्के होते हैं तो वो अपनी पूंछ से पूंछ को दूर तक फेंकते हैं, और ये ऐसा फीमेल हिप्पो को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। ऐसे में जो मेल हिप्पो अपनी पूंछ से दूर तक पूंछ फेंक पाता है, फीमेल हिप्पो उससे इम्प्रेस हो जाती है। देखो, इस पूल को खास स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस पूल में पानी रिवर्स बहता है, जिससे लोग बहुत ही आसानी से स्विमिंग सीख सकते हैं। देखो, इस तरह से हाथों से दबा दबा के जेलीफिश के टेंटिकल्स को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये टेंटिकल्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो जेलीफिश की जान भी ले सकते हैं। देखो, जब समुद्र से मिले इस अजीब पत्थर को काट कर देखा गया तो उसमें कई तरह की रंग बिरंगी बहुत सारी लेयर मौजूद थी। देखो, चाइना में इस तरीके का इस्तेमाल समुद्र में तैर रही बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिसमें चाइना वाले इस बास्केट को मछली के ऊपर रख देते हैं, और जैसे ही मछली इसमें फंस जाती है तो ये लोग ऊपर से हाथ डालकर मछली को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो, जहां भारत और दूसरे देशों में खेती का काम इंसान करते हैं, वहीं चाइना में ये काम रोबोट द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें रोबोट बिना थके इंसानों से भी ज्यादा काम कर लेता है। देखो, जो गाजर हम खाते हैं वो हमारे घर तक कैसे पहुंचते हैं? पहले तो ट्रैक्टर की मदद से गाजर के खेत में खुदाई होती है, जिससे गाजर ऊपर आ जाती है, जिसे लेबर की मदद से इकट्ठा करके ट्रॉली पर लोड कर दिया जाता है। फिर इस ट्रॉली को गोदाम में ले जाते हैं, जहां इन गाजरों को इस घूमती हुई मशीन में डाल देते हैं, जहां अंदर ही अंदर गाजर पानी से साफ हो जाते हैं। फिर गाजर को बाहर निकाल के बोरे में पैक करके मंडी में बेच देते हैं। आप लोगों में से किसी ने भी ये चीज पहले कभी नहीं देखी होगी। दरअसल इंग्लैंड के एक शहर में कुछ इस तरह बहुत सारे अंगूरों को एक बड़े लकड़ी से बने टब में डालते हैं, जिस पर लोग अपने पैरों से अंगूरों को कुचलकर पीस देते हैं ताकि उन अंगूरों का रस निकल जाए, जिसके बाद उस रस को अगले 6 महीने तक जमीन के अंदर फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है, और फिर किसी त्योहार के दिन वो लोग उस अंगूर से बनी वाइन को निकालकर पीते हैं। देखो, चाइना में छोटे छोटे गड्ढे भरने के लिए इस तरह के रेडीमेड पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बस पैकेट से निकालकर गड्ढे में डाल देते हैं और फिर छोटी सी मशीन की मदद से पेस्ट को दबाकर लेवल में कर देते हैं, ताकि पेस्ट रोड से मैच हो जाए। देखो, जब भेड़ों के झुंड को बाहर चराने के लिए ले जाया जाता है तो ये लोग कुछ इस तरह से भेड़ों के बच्चों को अलग करके अंदर ही रख लेते हैं, क्योंकि कई बार भेड़ों के बच्चे गुम हो जाते हैं। गाय भैंसों के तबेले में गोबर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसे साफ करने में दिक्कत तो होती ही है और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, इसीलिए बाहर के कुछ देशों में गोबर को साफ करने के लिए तबेले में स्लाइडिंग मशीन्स लगी होती हैं, जो कि सारे गोबर को एक बार में खींचकर साफ कर देती हैं, और फिर इस गोबर को इकट्ठा करके फसलों के लिए खाद बनाने के काम में लिया जाता है। देखो, स्क्विड कितना खतरनाक होता है। जब ये बंदा स्क्विड को पानी से बाहर निकालता है और उसे एक एल्युमिनियम कैन खाने को देता है, तो स्क्विड उस कैन को पलक झपकते ही ऐसे काट डालता है जैसे कि उसे कैंची से काटा जा रहा हो। अब देखो, चाइना में कुछ इस तरह के फ्लेक्सिबल हथौड़े का यूज किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल हथौड़े की तुलना में इनमें कम पावर में ज्यादा फोर्स जनरेट होती है, जिससे बिना थके ज्यादा देर तक काम किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।